अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। राजनपुर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर आरिफ रहीम ने परचम कुशाई की और कौमी तराना पढ़ा गया। बाद अजां कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गयी। तफसीलात के मुताबिक रैली के शुरका ने बैनर्स और परचम उठा रखे थे। रैली में जिला अफसरान समेत सिविल सोसाइटी, उलमा कराम स्कूल के बच्चे, सिविल डिफेंस, सोशल वेलफेयर, ज़रात, लेबर, रेस्क्यू, 112 के जवान भी शरीक हुए। पुलिस की जानिब से रैली के रास्तों में सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। रैली के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर आरिफ रहीम, मौलाना कारी महमूद कासमी, अब्दुल समद दरख्वास्ती और दीगर ने खिताब किया और कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के दुख और सुख में हम बराबर के शरीक हैं। जब तक कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी नहीं मिलती हम सुकून से नहीं बैठेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इलावाजी यौम कश्मीर के हवाले से राजनपुर की तहसील जामपुर और रुझान में भी तकरीबात मुनाकिद कराई जा रही हैं। कॉलेजों और स्कूलों में तकरीरी मुकाबले, सेमिनार, टैबलो, खाके पेश किए जाएंगे। सैफुल्ला खान, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, राजनपुर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोहिणी।